नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ अपने YouTube चैनल पे एक नया वीडियो जो कि गोरखपुर राप्ती नदी का है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाढ़ के कारण और बारिश भी बहुत तेज़ी से हुई थी, उसी के कारण ये पत्थर पूरा जो ठोकर लगा हुआ था वो पूरा धंस चुका है। और इस समय हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं दोस्तों, तो ये नीचे की तरफ उतरना काफ़ी रिस्क है और पत्थर पे पैर बहुत तेज़ी से स्लिप खाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद ही जाइएगा और आपको दिखाएंगे राप्ती नदी का सुंदर नज़ारा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राप्ती नदी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी और बहुत से लोग अपने यूट्यूब पर राप्ती नदी का वीडियो डाल रहे थे, तो दोस्तों हम भी डाल रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे और रोज़ रोज़ की दिनचर्या का आपको न्यूज़ बता रहे थे राप्ती नदी का। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ राप्ती नदी का वीडियो, जो कि दोस्तों कहा जाए तो राप्ती नदी आज भी इतनी तेज़ी से घटी नहीं है जितनी तेज़ी से राप्ती नदी बढ़ी थी। अभी भी पानी थोड़ा राप्ती नदी में ज़्यादा है और आप देख सकते हैं पूरा नीचे से मिट्टी खंदा जितना तेज़ बहाव है और आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे राप्ती नदी का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पूरा खाली है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आपको कि ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, हम पूरी तरह से आपको इस चैनल पे जानकारी देते रहेंगे राप्ती नदी का। अगर आपको ये राप्ती नदी का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी ये राप्ती नदी जैसे कि नॉर्मल पानी होता है, उस नॉर्मल नदी से अभी करीब 20 फीट ऊपर पानी है जो कि कोई यूट्यूबर अपनी यूट्यूब में डाल रहा है। तो हमने सोचा कि लाइए हम ही बना के डाल लें इस वीडियो को। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसमें आदमी गिर जाए तो नीचे की तरफ दब के मर जाएगा और हम इतना रिक्स लेके इस नदी के किनारे हम उतरे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बजाना ना भूलिएगा, मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक सीन है ये और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना डरावना ये लग रहा है। और आप देख सकते हैं हम नीचे की उतर के पत्थर से नीचे उतर के हम बनाए हैं। अगर स्लिप खा गया तो इस पानी में मैं चला जाऊंगा, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ता है अपने चैनल के लिए। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी एकदम यहाँ पे पूरा जो दिखा रहे हैं हम, वहाँ पर पूरा पानी भर चुका था और कई गाँव को खतरा भी हो चुका था दोस्तों। और हम ये भी बता दें कि अभी भी पानी राप्ती नदी का सूखा नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।